1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वह दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन पर बहुत सुकून था और समंदरी तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई है जो इस जहाज को बहुत ही खराब हादसे का शिकार बनाने वाली है। आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक आज क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी चीज गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द विल स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चरर करने वाली कंपनी हार्लेन एंड वाल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1960 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज तो तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तभी हो गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में अखबारों में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 तय किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के सेकंड क्लास में सफर करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 रखी गई थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिक की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वह न्यूयॉर्क टाइम्स ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक पार्ट होता है और वह पार्ट टाइटैनिक के सफर के दौरान ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथ कैप्टन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टाने यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से इम्पोर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी
लेकिन यही थी टाइटैनिक के हमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक पहला ऐसा लग्जरी जहाज था जिसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे। अगर इस वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग हो सकता था। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखने पर ही कैप्टन को कहने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी, और वह चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वह आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग टाइटैनिक की करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर में टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए, और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वह स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े फीचर्स को आपस में जोड़े रखना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक हमले ने पूरे जहाज के पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके तीसरे फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं रुक सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक आ पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ गया था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 बोट्स की जगह थी, लेकिन लापरवाही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और हर शख्स उन 20 बोट्स में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट्स समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहां हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी में बोट्स को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को बिठाया गया था, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। बोट्स में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसान की जाने कम जाती। अब जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनी बुझ गई थी।
और अगले लम्हे में जहाज टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। टाइटैनिक को समंदर के अंदर डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार हो गए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और अमीर लोगों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ थे, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगे रहे और वह आखिरी इंसान थे जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।